पढ़ेंगे है ना, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड, फूड इंग्रेडिएंट। आज हम स्टार्ट करते हैं फूड ईटन बाय एनिमल्स। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फूड ईटन बाय एनिमल्स। फूड ईटन बाय एनिमल्स मतलब एनिमल्स का जो फूड खाया था उनके बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स लिविंग फूड रिमेन अलाइव, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको जीवित रहने के लिए क्या जरूरत है, फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है। तो यू नो हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड, क्या आप जानते हो कि लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे लेते हैं, है ना। मोस्ट प्लांट्स कैन प्रिपेयर दी ओन फूड, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स जो है वो अपना खाना का खुद बनाते हैं, है ना। और अदर हैंड कैन नॉट बी आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या किसी और भी प्लांट या एनिमल्स पर डिपेंडेंट नहीं होते, कौन से प्लांट्स। लेकिन हम क्या है, हम जो है अपने खाने के लिए किसी दूसरे चीज पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स पे, है ना। फल वगैरह कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, धान गेहूँ ये सब कहाँ से मिलता है हमें, जो भी प्लांट से मिलता है ना। फिर मीट कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। तो क्या हम लोग किस पे निर्भर है, एनिमल्स और प्लांट्स पे निर्भर है। उसके बाद क्या है कि आप देखते होंगे कैट डॉग स्क्विरल सभी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, कोई उनका क्या सेम खाना नहीं होता है। तो उनके खाने के बेसिस पर इनको जो है थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, तीन भागों में बांटा गया है ना। तो इन तीनों भाग के बारे में पढ़ते हैं हम। बेस्ड ऑन द फूड डिटेल्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो जो खाना ये खाते हैं इनके अकॉर्डिंग इनको तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। देखिए उनके खाने के बेसिस पर एनिमल्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। देखिए हर्बीवोरस में हर्बी मींस होता है प्लांट्स एंड वोर मींस ईटर, मतलब जो प्लांट्स खाते हैं वो बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे काऊ हो गया, डियर है ना, गोट है, क्या हर्बीवोरस है। कार्निवोरस जो मीट, कार्निवोरस होता है मीट, वो मींस ईटर, जो मीट खाते हैं वो बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे लायन हो गया है ना, क्या कार्निवोरस है। उसके बाद ओमनीवोरस, जो ओमनीवोरस होता है ऑल एंड वो मींस ईटर, मतलब जो सभी चीज खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। इनमें बोलते हैं हर्बीवोरस को शाकाहारी, कार्निवोरस को मांसाहारी और ओमनीवोरस को सर्वाहारी। जो सभी जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो क्या हुए ओमनीवोरस हुए, ठीक है ना। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आपको समझ में आया, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब जो फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं उनके सोर्स के बारे में, स्रोत के बारे में। तो प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, प्लांट जो है प्लांट को एक भोजन के स्रोत के रूप में लेते हैं। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, आप जानते हैं कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स, क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना। दे प्रिपेयर मोर फूड देन व्हाट दे नीड, ये क्या करते हैं अपने से ज्यादा खाना, अपना जितना उनको जरूरत है उससे ज्यादा खाना बनाते हैं। और जो जो खाना बनाया वो अपना यूज कर लिया, जो बच गया खाना उसको क्या होता है, वो जाके प्लांट्स के अलग अलग भाग में स्टोर हो जाता है, जैसे कि सीड में, फ्रूट में, स्टेम में, है ना, रूट में। ये सब खाना जो एक्स्ट्रा खाना वो जाकर वहां क्या होता है, स्टोर हो जाता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर ईटिंग ईटिंग व्हेन वी ईट पोटैटो, कैबेज, ओनियन, रेडिश, कैरेट और मैंगो। जैसे कि हम खाते हैं मैंगो खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, अनियन खाते हैं, सब तो आप जानते हो कि हम प्लांट के किस भाग को खाते हैं, है ना। तो देखते हैं द प्लांट्स विच आर द प्लांट पार्ट विच आर ईटन और कॉल्ड एडिबल प्लांट, एडिबल पार्ट्स। देखिए प्लांट्स के जिस पार्ट को खाया जा सकता है उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स, क्या होते हैं एडिबल पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के जिस भाग को हम खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स, ठीक है। उसी में आता है फॉर एग्जाम्पल एडिबल पार्ट्स इन मैंगो इज फ्रूट, जैसे मैंगो है, मैंगो क्या है उसका कौन सा पार्ट्स कहते हैं फ्रूट है, वो प्लांट का क्या मैंगो का फ्रूट है। उसी तरह के अनियन और पोटैटो क्या है सेम है, अनियन पोटैटो खाते हैं एक्चुअली क्या खा रहे हैं प्लांट्स के कौन से भाग को खा रहे हैं सेम को खा रहे हैं। उसे कहते हैं रेडिश एंड कैरट, रेडिश और कैरट खाते हैं तो प्लांट से किस भाग को खाते हैं रूट, किसको खाते हैं रूट को। प्लांट्स जो भी रेडिश है और कैरट है तो एक्चुअली रेडिश कैरेट खाते हैं तो किस चीज को खाते हैं प्लांट्स के रूट को खाते हैं, है ना। तो फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ फूड आइटम्स जो प्लांट्स से ऑब्टेन आता है जैसे सेडलेस है, सेडलेस में क्या क्या मिला होता है वेट, राइस, मेज,
उसके अंदर फल्स ये भी मिलते हैं हमें फूड से, प्लांट से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, ये सब क्या हमें कहाँ से मिलता है? फूड से, सॉरी प्लांट से मिलता है ना। तो ये क्या, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? प्राकृतिक। तो क्या प्लांट क्या हो गया? हमारे लिए भोजन का एक स्रोत है। उसका सेकेंड आते हैं हम, तो इसी में कुछ है जैसे फूड फ्रॉम स्टीम, यानी कि स्टीम में कौन कौन सा फूड होता है, जैसे पोटैटो स्टीम है, अनियन स्टीम है, जिंजर स्टीम है, गार्लिक स्टीम है ना। फिर रूट्स में कौन कौन है? कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो, ये क्या है? रूट्स है ना। उसी तरह आप आ जाओ यहाँ पर लीव्स में, प्लांट्स से लीव्स कौन कौन होता है? स्पिनच है, तो स्पिनच खा रहे मतलब लीव्स को खा रहे हैं, फेनुग्रीक खा रहे हैं तो मतलब इसके प्लांट के लिए लीव्स को खा रहे हैं, कैबेज की लीफ है, मस्टर्ड की लीफ है ना। फूड फ्लावर, कुछ फ्लावर्स भी खाया जाता है जैसे कि रोज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली, क्या है? फूड के फ्लावर्स है ना। तो कॉलीफ्लावर खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं हम, है ना। तो ये दोनों खाते हैं, क्या खाते हैं? प्लांट के फ्लावर को खा रहे हैं। उसके क्या फूड फ्रॉम सीड, जैसे कि आपका मूंग दाल, मूंग हो गया, राजमा है, कॉर्न है, वेट है, ये सब क्या है? सीड्स है। उसी तरह फ्रूट्स में कौन कौन रहता है? बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइन एप्पल, ये क्या हुआ आपका? फ्रूट्स हुआ, है ना। तो आप अच्छे परिवर्ती जान गए कि हम अगर ये फ्रूट वगैरह खाते हैं या फिर जो भी चीजें खाते हैं वो एक्चुअली प्लांट किस भाग को खा रहे हैं, आपको क्लियर हो गया है ना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगा। चलिए आगे आते हैं स्प्राउट्स। नेक्स्ट है आपका स्प्राउट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्प्राउट्स। अब आते हैं स्प्राउट्स के बारे में। Have you ever seen your mother buying sprout seeds from the market and preparing them at home? How does she prepare them at home? सबसे पहले आते हैं स्प्राउट्स होता है, आपने बोला सर स्प्राउट्स के बारे में, स्प्राउट्स होता क्या है सबसे पहले, है ना। तो सर आप पूछोगे सर स्प्राउट्स क्या होता है, है ना। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स आर स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर विच कम आउट ऑफ द सीड। तो स्प्राउट क्या होता है? जैसे आप चना देखते हो ना, चना, चना को आप फूलने के लिए रख देते हो भिगो कर, भिगने जब फूल जाता है चना, जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसको उसको कपड़े में बांध कर साइड में कुछ एक दिन के लिए रख दिया जाता है। एक दिन दो दिन के लिए रख दोगे तो जो चना में चना है, सपोज मान लो चना है, तो यहाँ से पूछ के ऐसे वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा, ये इसको बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हैं? स्प्राउट। और ये चना है, ये चना है, तो स्प्राउट ये हुआ था। तो मम्मी बोलेंगे कि अगर ये स्प्राउट होगा तो चना उसको बोलते हैं अंकुरित चना, इसको अंगूर भी, इसका क्या होता है? अंगूर भी बोला जाता है, है ना। इसका जो स्प्राउट वाला जो चना है या फिर मटर है, इसको जब अगर मिट्टी में डाल दोगे और इसको पानी वानी दे दोगे तो ये उसका पेड़ बन जाएगा, है ना। क्या हुआ? ये स्प्राउट्स हुआ, है ना। जो भी चना होता है, चना का जो व्हाइट भाग पूछी तरह निकल जाता है फूलने के दिन के बाद, तो उसको क्या होता है? उसको स्प्राउट बोलते हैं, है ना। स्प्राउट कैसे करोगे? जैसे कि कोई चना फूलने के रख दिए, फूल गया रात भर में, उसको निकाल कर कपड़े में बांध कर एक दो दिन, एक दिन के लिए रख दिए, क्या वो धीरे धीरे उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगेगा, है ना। तो आगे आते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब क्या एनिमल्स कैसे सोर्स ऑफ फूड, कैसे एनिमल्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। हमने पढ़ा प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, अब क्या एनिमल्स, एनिमल्स हमारे लिए कैसे मतलब सोर्स ऑफ फूड, यानी खाने के स्रोत कैसे हैं, तो क्या पढ़ते हैं। A variety of food products are obtained from animals. These include milk, milk products, egg, meat and honey. बहुत ऐसे products है जो क्या मिलते हैं हमें animals से, मिलते हैं दूध है, egg है, meat है ना। ये सब कहाँ से मिलता है हमें? animals से मिलता है। जैसे आप eggs देखो, एक क्या है, hen और duck से मिलता है, meat sheep, goat, chicken, fish से मिलता है, honey कहाँ से मिलता है, honey bees से मिलता है, milk कहाँ से मिलता है, cow, buffalo, goat, ये सब चीजों से क्या मिलता है हमें? मिल्क मिलता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, एनिमल्स हमारे लिए क्या है, फ्रूट फूड के स्रोत है, यानी कि भोजन के स्रोत है, है ना। तो देखिए अब क्या है, ये सब ये सारी चीज होगी। अब हम सुनते हैं डेयरी प्रोडक्ट, अब आता है किस तरह डेयरी प्रोडक्ट, किसी भी आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है? जो मिल्क से बनी चीजें होती है ना, जो दूध से बनी चीजें होती है उनको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। जैसे आप दही हो गया, बटर है, घी है ना, चीज है, ये सब क्या है? दूध से बनी चीजें, इनको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। दूध से बनी चीजों को बोला जाता है डेयरी प्रोडक्ट। उसका रहते हैं हम, है ना,
पोल्ट्री, पोल्ट्री का होता है नेक्स्ट इज पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है ना, देखो जिसमें एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री, है ना, जो एनिमल्स मीट और एग देते हैं उनको बोला जाता है पोल्ट्री। एनिमल्स हु गिव विच गिव्स विच प्रोवाइड्स एनिमल्स विच एनिमल्स विच प्रोवाइड्स मीट एंड एग। पोल्ट्री वाले एनिमल्स जो क्या मीट और एग देते हैं उनको क्या बोला जाता है पोल्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है पोल्ट्री, है ना। चिकन क्या है आपका पोल्ट्री, चिकन का मीट भी होता है और उसका एग भी होता है, उसका रहते हनी। नेक्स्ट है उसका हनी, हनी के हनी हनी कहां से मिलता है हमें, हनी बीज से मिलता है। एक्चुअली हनी क्या होता है, हनी जो है जो मधुमक्खी होती है हनी बीज हो जाकर फूलों पर बैठती है और फूलों का रस चूसती है, फूलों का रस चूस कर आकर फूल फल जो भी हमारा हनी भी होता है हनी वो क्या होता है फलों का रस होता है एक्चुअली, है ना। उसमें क्या क्या मिले होते हैं नेक्टर होते हैं, नेक्टर क्या नेक्टर किसको बोलते हैं फ्लावर के जूस होता है ना, फ्लावर का रस फूलों का रस उसको बोलते हैं नेक्टर, है ना। इसमें नेक्टर में क्या क्या रहता है वाटर रहता है मिनरल्स रहता है एंजाइम्स रहता है, सारी चीज मिलकर क्या बनता है हनी बनता है। हनी जिस स्टोरी बिहेव्स ठीक है उसके रहते आप चैप्टर क्या हुआ यहाँ से फिनिश हो गया। फिर से एक बार हनी जो रिपीट कर देता हूँ मैं, हनी जो है हनी बीज से मिलता है, है ना। इसमें क्या होता है ये इसमें नेक्टर से बना होता है हनी, नेक्टर किसका होता है फलों के रस, और इसमें इसमें हनी में क्या क्या रहता है वाटर रहता है मिनरल्स रहता है और एंजाइम्स रहता है। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया, कल आपको इसका क्वेश्चन से भेज दिया जाएगा, है ना। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप अगर आप आज ही कॉन्टेक्ट कर जो भी डाउट्स आप मेरे पास सेंड कर देना, मैं अगर हो सके तो उसमें उसको सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके थैंक यू।